हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, अभी जो हमने न्यूज़ सुनी थी वो थी कि राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई है। अब न्यूज़ देखो, उसके बाद इमीडिएटली ये आई है कि राहुल गांधी जो है वो हो गया डिसक्वालिफाइड एज MP। अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे राहुल, लोकसभा से सदस्यता खारिज। ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्र, कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है कि कानूनी विकल्प क्या है उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन झटका बहुत बड़ा है, संसद सदस्यता खारिज। बिल्कुल, आज देखिए कि कल कोर्ट का फैसला आया था और राहुल गांधी आज संसद में आए थे और उसके बाद आज ही लोकसभा स्पीकर की तरफ से या लोकसभा सचिवालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ कि उनकी सदस्यता कल से, जो नियमों के अनुसार है, जैसे कोर्ट का फैसला आया उस दिन यानी 23 तारीख से ही उनको डिस्क्वालीफाई किया गया वायनाड से। तो एक बहुत बड़ा झटका न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो विपक्षी दल की एकता जो दिख रही थी उसके लिए है। और सरकार ने वो फैसला लिया है, हमारी अभी बातचीत हुई है बड़े केंद्रीय मंत्री से, उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो राहुल गांधी के सरकार यानी मनमोहन सिंह के सरकार ने जो फैसला लिया था 2013 में उसका ही जैसा वैसा भोगे हैं। और 2013 में जो उन्होंने फाड़ा था, जो लालू यादव को बचाने के लिए जो 5 साल किया जा रहा था उसे 2 साल तक रखा था, उस 2 साल के जो अवधि का अब राहुल गांधी पर ही भारी पड़ रहा है। कहीं कांग्रेस के भी कई लोगों से बात हुई जो अब तो रिकॉर्ड कर रहे थे कि अगर उस समय राहुल गांधी मान जाते 5 साल की सजा पर ही डिस्क्वालीफाई के मसौदे पर तैयार रहते तो आज ये दिन नहीं देखने ऊपर ही पड़ गया। जाहिर सी बात है उनकी सदस्यता चली गई है। ऊपरी कोर्ट में जो उच्च स्तरीय कोर्ट है वहां पर अपील करने की पूरी आजादी है, सरकार के कई मंत्रियों का ना है, बीजेपी का ना है कि वो अपील कर सकते हैं, लेकिन जो कन्विक्शन था उस पर रोक नहीं था। ये कल से ही सरकार और बीजेपी के कई बड़े नेता कहना था उनके सेंटेंस पर रोक लगाई थी, लेकिन जो कन्विक्शन था 2 साल की जो सजा थी उस पर रोक नहीं थी। और कानून के अनुसार जो 8-4 जनप्रतिनिधित्व कानून को जो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया था उसके अनुसार वो डिस्क्वालीफाइड हो गए कल ही। ठीक है अरविंद, आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ गए अरविंद, रवि के पास पहले चलते हैं। अरविंद, इस रवि सर, इस नोटिफिकेशन का पूरा अर्थ समझाइए, 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। रवि, 6 साल तक क्या हुआ? रवि कौन है? इसी प्रकार रवि, अगर सुन पा रहे हैं, लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन का पूरे मायने समझाइए। आवाज ही नहीं आ रही। अल्लाह कर रहे सेटअप में क्लिच आ रही थोड़े नहीं आ रही। रविंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। रविंद्र, बड़ा झटका है, 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये नियम कानून मनमोहन सिंह के सरकार के समय बनी थी और बीजेपी के बड़े मंत्रियों का भी कहना है कि उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री के उस समय सम्मान नहीं किया था और उस ऑडियंस को फाड़ दिया था। और आज जब नरेंद्र मोदी है उनका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो जैसा किए वैसा भोगे। हालांकि जो कानून है डिस्क्वालीफाइड हो गए, अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते अंटिल की जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, जो फैसला आया था उसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी इसका अर्थ है कि अगर सेशन कोर्ट में जाते हैं, निचली अदालत में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर जो निचली अदालत का जो फैसला है उसे ही बरकरार रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई है और चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट देता है तो उनकी जो डिस्क्वालीफिकेशन खत्म हो जाएगी, वो चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस के जितने रणनीतिकार हैं, क्योंकि अभी बता दें कि जो केंद्र सरकार के बहुत बड़े मंत्री कहना है कि हमारे पास तो वकील हैं, लेकिन कांग्रेस के पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो कोर्ट में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब वो समझे कैसे इसके बचाव करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत साफ थी कि जो कानून है उसका पालन होना चाहिए, बचाव अब राहुल गांधी करना है, कांग्रेस को करना। ठीक है रविंद्र, सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक बड़ा झटका है और जो सजा सुनाई गई उसके बाद 2 साल की सजा और फिर आप 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, ये आज 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 हुआ है और इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि सदस्यता समाप्त करने के लिए उसके लिए अच्छा, ये सुब्रमण्यम स्वामी है, मैं सोचा वो कोई वो वाले, और ये पहले भी हुआ है
इंदिरा गांधी का हुआ था 77 में, उसके पहले 1900 इमरजेंसी काल में 1990 जब इमरजेंसी की काल थी उस समय मेरा राज्यसभा का सदस्य को रद्द किया गया। तो ये शक्ति, ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि प्रस्ताव पास करके वो सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई आश्चर्यजनक नहीं है जिस तरीके से उसने एक समुदाय की बुराई की और अन्य बातों में। कुल मिलाकर एक संसद सदस्य का गरिमा घटाने वाली बात है, इसलिए उसकी हुआ है जी। और साथ ही कांग्रेस अब ये कह रही है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो अभी क्या लड़ रहे थे? कानूनी तो लड़ रहा हूँ, ये सवाल पूछेंगे, लड़ेंगे तो कानूनी। आपने किया था सुब्रमण्यम स्वामी को उस समय, ये कानूनी आप पूछे जा, इन्होंने किया तो उसके उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने किया था इनका। और मैं समझता हूँ कि उस समय तो मैंने कोई अपराध भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ कहा कि लोकतंत्र होना चाहिए देश में और विदेशों में। मैंने मीटिंग्स की थी क्योंकि इंडिया में मीटिंग करना प्रतिबंध था, तो और मैंने देश का बुराई नहीं किया, मैंने देश का अच्छा ही किया कि हमने लोकतंत्र के लिए हमने लोगों को जुटाया, वो भी प्रवासी भारतीयों को। यार देखो तो सही, इससे पता चल रहा है वही रूल लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर, जो रूल राहुल गांधी ने अपनी तरफ से बड़े अक्कड़ के किया। एक्चुअल में था 5 साल, मुझे जहां तक समझ आया कि अगर तुम्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है तब तुमको निकाल देंगे संसद से, तुम डिस्क्वालिफाइड हो गए। और राहुल गांधी ने क्या किया था, वो 5 साल वाला पेपर को फाड़ दिया था, वो कह रहे हैं फाड़ दिया था, और उसकी जगह 2 साल बोला। अब वही उन्हीं के ऊपर पड़ा है, तो ये कोई बीजेपी कोई अपना कोई एजेंडा नहीं कर रही, इन्हीं के बनाए हुए जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रही हैं। और मुझे तो सुन के शॉक लगा कि स्वामी जो हैं उनको भी कांग्रेस ने यही किया था। राइट, जितनी कांग्रेस के पास अभी लॉयर्स वगैरह हैं वो ऑब्वियसली से अपील करेंगे, और वो कह रहे हैं जब तक अपील करें तब तक ये तो कंटिन्यू रहेगी, जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। नहीं, मुझे लगा जब तक सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं कि नहीं ये गलत है राहुल गांधी जो है, मुझे पता नहीं कौन सा कोर्ट है, मगर इसके बाद अपर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, टाइम तो लगेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बोल दे तब जाकर डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी, अगर वो बोलते हैं कि नहीं, इन द मीन टाइम ये सब चलता रहेगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता राहुल गांधी, ये मुझे समझ में आया। ये एक मेरे ख्याल से नई बात है कि यूएस में क्या होता है कि जब आपको सेंटेंस मिल गया आपको इमीडिएटली जेल जाना है, आप और जगह अप्लाई कर जो अपील कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं, मगर रहेंगे आप जेल में। अब अपील करिए, अपील आपकी ठीक हो जाती है, ठीक है आप कैंसर, अनलेस आप कई स्टे ऑर्डर ले हैं, अगर आप स्टे ऑर्डर ले हैं तो आपने उसको रुकवा दिया वो बात अलग है। तो जो भी प्रोसेस है देखते हैं कि अब उनको 30 डेज मिले मेरे ख्याल से टू अपील, तो ये नया प्रोसेस है शायद इंडिया में, ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, तो 30 डेज अभी वो अपील करेंगे, फिर पता चलेगा, फिर आगे जाएंगे, तो जो भी ये सब चलेगा। पर उसके बीच में चाहे अपील करो नहीं करो, अब ही राहुल गांधी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता, राइट, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का उल्टा ना बोले और बोले कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई कर दिए एमपी से, तो मुझे लगता है भी नहीं पार्लियामेंट में भी नहीं जा पाएंगे अब तो वो। वाओ, तो फिर हम मजे कैसे लेंगे यार बताओ। मगर ये कांग्रेस वाले फाइट करेंगे, वो तो करेंगे, होता है ही। पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये केस को कोई, मैं कहीं पढ़ रही थी 10 साल लग गए हैं, तो अब ये जब हाईकोर्ट जाएंगे तो अगले 10 साल लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगले 10 साल लगेंगे। अभी तो तेजी से काम होगा क्योंकि जैसे लोगों की पावर, पॉलिटिकल पावर है, जो जो इन्वॉल्व है वो तो तेजी से अब काम होगा, पता चलेगा। ऑपोजिशन जो धीरे करे, ऑपोजिशन टरकाए कि भाई अभी हमें टाइम चाहिए, अभी हमें टाइम चाहिए, फिर यही करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है ना। इससे क्लियर हो जाएगा कि 10 साल लग गए चार्ज करने में, मगर एक बार चार्ज हो गया बंदा तो कितनी तेजी से काम होता है नजर आएगा अभी। चलो देखेंगे, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।